हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि 1.11 मिलियन कितना होता है। दोस्तों ये क्या है, कमेंट में हमसे ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों मैं इसी सवाल का जवाब लेकर इस वीडियो में आया हूँ और इसका जो टॉपिक यही है कि 1.11 मिलियन कितना होता है। तो दोस्तों हम 1 मिलियन के बारे में तो जानते हैं कि 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, लेकिन जब दशमलव हमें आ जाए तो इसका मतलब कितना होता है। चाहे 1.11 मिलियन हो, फिर 1.2 मिलियन हो, या फिर 2.5 मिलियन हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसी की जानकारी इस वीडियो में क्या करेंगे हासिल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इतना कम मिलियन का मतलब कितना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया कि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। और 10 लाख कैसे लिखते हैं, पहले होता है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, जिसमें कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। ये क्या हो गया दोस्तों, 1 मिलियन के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, जिसमें कि 6 जीरो होते हैं। अब बात करें कि 1.11 मिलियन कितना होता है, ये हमें बताना है, सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1.11 मिलियन को हम क्या करेंगे, इसको गणितीय जो भाषा है उसमें तोड़ेंगे, तो 1.11 गुणा 1 मिलियन इसको अलग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि जब भी 1.11 में 1 मिलियन का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो हम अब करेंगे क्या, 1.11 गुणा, ठीक है, 1 मिलियन में होता है 10 लाख, ठीक है, तो 10 लाख इसमें गुणा कर देंगे। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो, तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, इसमें चलिए गुणा करते हैं, 1.11 गुणा कितना है, 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो है, तो कितना आ गया, 1.11, कितने जीरो है, 4 जीरो है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इतनी बड़ी संख्या। आप कितनी बड़ी संख्या, चलिए इसको काउंट करते हैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी दोस्तों कितना हो गया हमारा, यह 11 लाख, ये हो गया हमारा 11 लाख 10,000, 10,000, समझ गए। यानी 1.11 मिलियन का मतलब होता है 11 लाख 10,000 होता है, चाहे व्यू सब्सक्राइबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा, तो इसको बदलने का तरीका क्या है, सिंपल सा, जितना भी है, जैसे कि ये हमारा क्या है, 1.2 मिलियन है, इसी को चलिए आगे देखते हैं अच्छे से। जैसे 1.11 ये मिलियन है, तो इसका मतलब हो गया 11 लाख 10,000, तो यानी दोस्तों ये आगे वाला जो होगा ये हो जाएगा हमारा 10 लाख के बराबर, जब मिलियन में रहेगा ना, तो इसके 10 मिलियन के आगे वाले को हम कहेंगे 10 लाख, और इसके बाद वाले, ठीक, इसके बाद वाले को हम कहेंगे 1 लाख, ठीक है। तो 10 लाख ये और 1 लाख ये मिलकर कितने हो जाएंगे, 11 लाख, और उसके बाद वाले को जो रहेगा वो हो जाएगा 1,000 में, चाहे 1,000 है, यानी 1 है, तो इसका मतलब हो गया कि 10,000, अगर 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 20,000। जैसे कि अगर यहीं पर 2.51 मिलियन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वो 2.51 मिलियन, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब 20 लाख, 5 का मतलब 5 लाख, तो 20, 5 क्या हो गया, 25 लाख, और 1 का मतलब हो गया हमारा 10,000, यानी 25 लाख 10,000। इसी तरीके से अगर हमारा ये 3.12 मिलियन है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब 30 लाख, 1 का मतलब 1 और लाख, तो 31 लाख, 2 का मतलब 20,000, यानी कि 31 लाख 20,000, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरीके से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं, और जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं कि हमने जो किया ये सही या फिर गलत। तो आइए दोस्तों आप समझ गए होंगे, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।